हेलो स्टूडेंट्स, शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा कक्षा 9 की मैथ्स की क्लासेस मैथ्स की शुरू की हुई ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियोस के साथ। आज हम एक्सरसाइज 12 करते हैं जिसका नाम हीरोन का सूत्र। हीरोन एक गणितज्ञ था जिसने एक सूत्र दिया था। वो सूत्र किसका था? वो सूत्र एक त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र था। तो उससे पहले हम कुछ सूत्रों पर चर्चा करते हैं। तो पहला सूत्र हमारे आता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, यदि क्वेश्चन में यदि ऐसे किसी ऐसे त्रिभुज में जिसमें हमें आधार और ऊंचाई दी हो तो वहां हमें समकोण त्रिभुज का वर्ड नाम यूज करना है, क्योंकि आधार और ऊंचाई समकोण त्रिभुज में ही होती है। तो यदि किसी क्वेश्चन में यदि किसी त्रिभुज हमें आधार और ऊंचाई दी गई हो और कहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो हमें वहां लिखना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई वर्ग इकाई। देखो, किसी का भी क्षेत्रफल हो, चाहे वो त्रिभुज का हो, चाहे वो वृत्त का हो, चाहे वो आयत का हो, चाहे वो वर्ग का हो, किसी का भी क्षेत्रफल हो, हमेशा वर्ग इकाई के। देखो, वर्ग का मतलब जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, इकाई का मतलब मीटर, सेमी, मिलीमीटर, ये इकाइयां होती है। तो यदि हम मान लो किसी के सूत्र के आगे मीटर लगाते हैं तो हमें स्क्वायर लगाना है। यदि हम किसी सूत्र के लास्ट में मान लो सेमी लगाते हैं तो हमें स्क्वायर लगाना है। यदि हम किसी सूत्र में मिलीमीटर लगाते हैं तो भी हमें स्क्वायर। तो कुल मिलाकर बात इतनी है, चाहे मीटर लगाए, चाहे सेमी लगाए, चाहे मिलीमीटर लगाए, सूत्र देखें तो वर्ग इकाई, और अन्यथा हम सवाल करें तो मीटर, सेमी, मिलीमीटर, जो भी देखें उनमें हमें स्क्वायर लगानी है, क्योंकि क्षेत्रफल दो भुजाओं की गुणा होती है। दूसरा सूत्र आता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज, सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज। एक देखो, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। और उसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट सिर्फ तीन पर ही है, रूट 3/4 ए स्क्वायर वर्ग इकाई। वर्ग इकाई जैसा कि पीछे बताया, वर्ग इकाई का मतलब मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, सेमी हो तो सेमी स्क्वायर, और मिलीमीटर हो तो मिलीमीटर स्क्वायर। अब ए क्या है? ए स्क्वायर का मतलब जहां ए भुजा है। अब इसमें नाम तो इसका त्रिभुज है और ए मतलब एक भुजा। एक भुजा क्यों? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं समान होती है और जो समान है उन सबको ए मानना है, चाहे वो पहली भुजा है, चाहे वो दूसरी भुजा है, चाहे वो तीसरी भुजा है, तीनों भुजा को ए मानना। इसीलिए यहाँ ए की स्क्वायर, इसका मतलब ए का मतलब क्या है, यहाँ भुजा है तो ए का मतलब भुजा से लेना है, चाहे वो तीसरी ले, चाहे वो पहली ले और चाहे वो दूसरी ले। इसी क्रम में इसका तीसरा सूत्र आता है सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजाएं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो वो सम द्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो उसका क्षेत्रफल 2/4√4a² - b². तो देखिए, एक रफ समझने के लिए कि एक मान लो त्रिभुज हम बनाते हैं इस तरह से। अब कोई स्पेशल चित्र नहीं होता कि अभी समबाहु का अलग, समद्विबाहु का अलग या विषमबाहु का अलग। मान लो ये त्रिभुज, अब यदि जैसे दो 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 इसकी तीनों भुजाएं समान, तो ये तो एक समबाहु त्रिभुज हो गया, जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अब समद्विबाहु त्रिभुज, तो देखिए जैसे मान लो ये तीन, ये तीन, ये दो, तो जिस त्रिभुज की तीनों दोनों भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जैसे ये है। अब 2/4√4a² - b² वर्ग इकाई। अब भुजाएं तो, अब एक भुजा ए, दूसरी बी, तीसरी सी, तीन होनी चाहिए सी, लेकिन इस सूत्र में सी का नाम कहीं भी नहीं है। उसका कारण ये है कि जो भुजा दो समान है, जो दो भुजा जैसे ये तीन और ये तीन समान है, तो जो भुजा समान है उसको, उन दोनों को हम ए मानेंगे, और तीसरी भुजा जो अलग है उनको बी मानेंगे। तो इसीलिए हमारा सूत्र ए और बी में, सूत्र में ए और बी ही है, सी नहीं है। तो जहां ए मतलब समान भुजाएं और बी मतलब असमान भुजा,
और संधि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी लगेगा जब दो समान भुजाओं की नाप दे रखी हो और एक भुजा हमें असमान दे रखी हो। अब आता है लास्ट हीरोन का सूत्र, या कई यूं कहते हैं हीरो का सूत्र, एक ही बात है हीरोन या हीरो कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हमें एस निकालना आवश्यक है और एस का मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध का मतलब आधा और परिमाप का मतलब पूरा, यानी किसी भी आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं का योग या यूं कह सकते हैं जोड़ होता है। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, ये दो, ये तीन, ये पांच, और ये इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा विषमबाहु त्रिभुज का ही निकलेगा। अगर इसमें दो भुजाएं समान दे दे तो फिर हम वो संधि बाहु से भी कर सकते हैं, अगर तीनों समान दे दे तो हम समबाहु से कर सकते हैं, और तीनों अलग अलग दे जैसे दो तीन पांच, ये विषमबाहु त्रिभुज है। अब इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो हीरो के सूत्र द्वारा निकलेगा। तो इसका परिमाप, जैसे परिमाप तो होगा दो प्लस तीन प्लस पांच दस, ये तो इसका परिमाप हो गया, लेकिन हमें तो इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात नहीं करना, जिसको इंग्लिश में शॉर्टकट एस रूप में दर्शाते हैं, यानी सेमी पेरीमीटर। तो हमें लिखना है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। अब ए क्या है, पहली भुजा, कोई भी पहली मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ये कोई भी है कहीं से भी, अगर ए मान लो तो बी ए मान लो, सी ए मान लो। ए मतलब पहली भुजा, बी मतलब दूसरी भुजा, और सी मतलब तीसरी भुजा। एस ज्ञात करने के बाद में, ये तो हमारा एस ज्ञात हुआ, क्षेत्रफल ज्ञात नहीं हुआ, क्षेत्रफल की बारी अब आती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट, अंडर रूट पूरा शुरू से लेकर एंड तक लगाना है। एस, एस क्या है, अर्ध परिमाप जो हमारा हमें प्राप्त होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे दो करने पर। तो एस ब्रैकेट एस माइनस ए, ए का मतलब एस में से जो हमें एस प्राप्त हुआ उसमें से हमें ए मतलब पहली भुजा घटानी है, और जो एस प्राप्त होगा वो इन तीनों भुजाओं से बड़ा या बराबर होगा, छोटा कभी नहीं होगा। तो एस माइनस ए, तो सीधी सी कॉमन सी बात है कि एस माइनस ए तभी होगा जब एस जो है वो ए से बड़ा होगा। एस माइनस बी, यानी एस में से बी यानी दूसरी भुजा घटानी है। एस माइनस सी, एस में से यानी सी मतलब तीसरी भुजा घटानी। तो इस प्रकार जो हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हीरो के सूत्र द्वारा, और आगे मीटर हो मीटर स्क्वायर, सेमी हो सेमी स्क्वायर। इसी क्रम में हम करते हैं अब इसके कुछ सवाल आगे।